Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a buzzword in the field of BEd teacher trainees or in general in educational field, that is micro teaching. Okay, so let's start. माइक्रो टीचिंग, देखिए सूक्ष्म शिक्षण हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण, और जो बीएड करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला शब्द है, और इन जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट्स इसको कंसेप्ट के रूप में पढ़ते हैं, और बीएड टीचर ट्रेनीज जो बीएड करते हैं स्टूडेंट्स वो उसको प्रैक्टिकली करते हैं. माइक्रो टीचिंग क्या, इसका कंसेप्ट है कि माइक्रो टीचिंग इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट टीचर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन लर्निंग. यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक एक्सीलेंट तरीका है ये स्टूडेंट टीचर्स जो हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, जो भावी शिक्षक हैं, उनको टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस समझाने के लिए. इट प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विच हेल्प्स देम टू स्क्रूटिनाइज देयर ओन टीचिंग इन ऑर्डर टू डिस्कवर देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ये क्या प्रोवाइड करता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. यानी फीडबैक तो देता है स्टूडेंट पर, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं, ऐसा जिससे वो कुछ निर्माण कर सकें, वो पॉजिटिव उनको उनको शेप करने की दिशा में वो फीडबैक हो, जिससे कि वो अपनी टीचिंग की स्क्रूटनी कर सके कि अच्छा ये अच्छा ही था, ये कमी था, इसको और सुधारा जा सकता है. ऐसे एज अ टूल फॉर टीचर प्रिपरेशन, शिक्षक निर्माण करने की प्रक्रिया में ये एक उपकरण है. माइक्रो टीचिंग ट्रेन्स, माइक्रो टीचिंग जो है वो प्रशिक्षण देती है टीचिंग बिहेवियर्स का और स्किल्स का स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स में. छोटा वहाँ सेटिंग रखी जाती है एडेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, और हम उसको कैसे सहायता देते हैं, उसको सहायता किससे मिलती है, सहायित किससे होता है, प्रतिपुष्टि प्रणाली से सहायित छोटे स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स में टीचिंग की बिहेवियर और स्किल्स को ट्रेन करने का ये एक तरीका है, टूल है. माइक्रो टीचिंग इज अ काइंड ऑफ रियल टीचिंग, रिड्यूस्ड इन टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज. देखिए माइक्रो नाम में ही माइक्रो है, तो हमने सूक्ष्म कर दिया है. किसको सूक्ष्म किया है, किसको कम किया है, टाइम को कम किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम किया है और रेंज ऑफ एक्टिविटीज को कम किया है. इट प्रोवाइड्स टीचर्स विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एंड अदर्स टीचिंग स्टाइल्स एंड टू एक्वायर न्यू टीचिंग टेक्निक्स. ये जो है माइक्रो टीचिंग, वो टीचर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी देता है, इतने अवसर प्रदान करता है जिससे कि वो खोज सके और रिफ्लेक्ट ऑन करे, अपने अप सोचे, थिंकिंग करे, चिंतन करे अपनी और अदर्स और जो पीयर ग्रुप है उनकी टीचिंग स्टाइल्स पर, और नई टीचिंग टेक्निक्स को एक्वायर कर सके. ये इसका कंसेप्ट है. फिर अगर इसकी हिस्ट्री जाने तो द हिस्ट्री ऑफ माइक्रो टीचिंग गोज बैक टू द मिड 1960s, यानी कि लगभग ये आपका 64 साल पुराना कंसेप्ट है, लगभग 60 साल पुराना मान लीजिए, लगभग 60 साल पुराना कंसेप्ट है ये, जब डॉइट एलन ने अपने कलीग्स के साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में विकसित किया. दिस प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स एंड द जनरल परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स. और ये प्रोग्राम जो उन्होंने बनाया, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया, उसका उद्देश्य था कि जो टीचर्स बनने वाले हैं उनकी जनरल परफॉर्मेंस को और वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके. The Stanford model had a three-step approach using actual students as an authentic audience. जो Stanford model था, उसमें three-step approach थी और उसमें उन्होंने actual students को authentic audience के रूप में बिठाया था. But आपको पता होगा कि जब actual teacher training institutions में ये होता है, तो peer group ही हमारा audience बनता है. The model was first applied to the teaching of science. इस model को शुरुआत में विज्ञान शिक्षण के लिए use किया गया, but later it was introduced to language teaching also. बाद में इसको भाषा शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया. भारतवर्ष में देखिए बहुत लेट नहीं, 1960s में डॉइट एलन साहब बना रहे हैं, और डीडी तिवारी ने 1967 में ही इसको गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में इंट्रोड्यूस किया. इन 1970 जीवी शॉ एक्सपेरिमेंटेड विद माइक्रो टीचिंग एट एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, और एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में 1970 में जीवी शॉ ने माइक्रो टीचिंग पे एक्सपेरिमेंट किया. Then the Technical Teachers Training Institute Madras introduced micro teaching to train technical teachers. तो मतलब इस तरह से 1960 के आस mid 1960s मतलब 1965 के आसपास 1962-63 जो भी exactly इसका सन है year है, Dwight Allen ने अपने colleagues के संग Stanford University में बनाया, और उसके बाद ही भारतवर्ष में भी बहुत जल्दी ही आ जाता है. फिर अगर इसकी डेफिनेशंस देखें ताकि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ पाएं, तो डब्ल्यू एलन साहब इसको डिफाइन कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम. सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे छोटी, सबसे जल्दी याद हो जाने वाली डेफिनेशन, स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर. टीचिंग इनकाउंटर तो है,
लेकिन हमने उसकी स्केल को डाउन कर दिया है. किस किस टर्म्स में डाउन किया है? क्लास की साइज कम कर देंगे और टाइम भी कम कर देंगे. ये DWLN कह रहे हैं. आर एन बुश 1968 में कहते हैं, अच्छा ये एक होगा, आर एन बुश कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर एजुकेशन टेक्निक विच अलाउ टीचर्स टू अप्लाई क्लियरली डिफाइंड टीचिंग स्किल्स इन केयरफुली प्रिपेयर्ड लेसंस इन अ प्लान्ड सीरीज ऑफ 5 to 10 मिनट्स. ये कह रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग एक टीचर एजुकेशन का की टेक्निक है जो कि शिक्षकों को ये अनुमति देती है कि वो जो क्लियरली डिफाइंड टीचिंग स्किल्स हैं. देखिए टीचिंग स्किल्स और माइक्रो टीचिंग स्किल्स पे एक अलग वीडियो आपसे शेयर करूंगी, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. इसके अपने आप में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, तो वहाँ आप टीचिंग स्किल्स को बेहतर समझ जाएंगे. तो ये कह रहे हैं कि मतलब माइक्रो टीचिंग है क्या, हमने क्या किया है, आगे ये आएगा कहीं कि शिक्षण जो है वो बहुत सारी स्किल्स का इंटीग्रेशन है. हमने यहाँ पे उसको छोटे 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 स्किल्स में तोड़ दिया, क्योंकि भाई एक बार में सारी स्किल्स सिखाना मुश्किल है, तो उसको छोटी छोटी स्किल्स में तोड़ दीजिए और हर दिन हर बार एक नई स्किल की प्रैक्टिस कीजिए तब तक जब तक कि स्टूडेंट को उसकी मास्टरी ना हो जाए. फिर जब वो एक्चुअल क्लासरूम कंडीशन में जाएगा तो सारी स्किल्स को इंटीग्रेशन करके बेहतर पढ़ा पाएगा. ये इसके पीछे का अजम्पशन है. तो ये कह रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग एक टीचर एजुकेशन की टेक्निक है जो कि शिक्षकों को ये अनुमति देती है कि वो पूरी तरह से जो परिभाषित शिक्षण के कौशल हैं उनको केयरफुली प्रिपेयर्ड लेसन्स मतलब एकदम सुनियोजित तरीके से पाठ बनाएं और प्लान सीरीज में 5 से 10 मिनट में उनको पढ़ाएं और एनकाउंटर्स विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रियल स्टूडेंट्स, उनको रियल स्टूडेंट मिले बस छोटा समूह हो, ऑफन विद एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑन वीडियो टेप. एक्चुअली ये यही जाना चाहिए था, ये इसमें गलती से आ गया है एंटर में नीचे. तो एनकाउंटर्स विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रियल स्टूडेंट्स यानी कि हमारे वास्तविक हमारे पास विद्यार्थी हो और हमको ये अवसर मिले कि हम अपनी जो हमने पढ़ाया है हम उसको वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी देख सकें. देखिए ये बहुत एक खास इसका एस्पेक्ट है जो हम अपने विद्यालयों में अपने भारतीय संस्थानों में नहीं दे पाते. होता होगा कि भी विद्यालयों में महाविद्यालयों में, बट हम लोगों ने जब BA किया जब कराया तो हमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी. हाँ जब इसकी थ्योरी पढ़ो तो ये जरूर लगता है कि जब टीचर कोई बनने जा रहा है और वो अपना पढ़ाया अगर वीडियो देख ले तो निश्चित रूप से वो उसके लिए आसान हो जाएगा. देखिए अब तो इजी है, अब तो हो सकता है क्योंकि मोबाइल में सबके वीडियो रिकॉर्डर है ना, तो आप पढ़ाने जाइए तो 5-6 मिनट पढ़ाना होता है तो आप अपने अपने साथी को बोल दीजिए, पीयर ग्रुप को बोल दीजिए, वो रिकॉर्ड कर लेगा, आप देख सकेंगे तो उस हिसाब से सुधार कर लेंगे. तो ये इट इज नॉट एट ऑल टफ प्रेजेंट टाइम, बट जब हम लोग BA करते थे तो ये हम लोग को लगता था कोई बहुत बड़ी बात है कि कोई वीडियो रिकॉर्डर हो जाए और हम देख सके हमने कैसा पढ़ाया है, तो वो देख सकेगा तो उसके लिए सुधार ईजी हो जाएगा. Clift and others define करते हैं कि micro teaching is a teacher training procedure which reduces the teaching situation to a simple and more controlled encounter achieved by limiting the practice of teaching to a specific skill and reducing teaching time and class size. तो कह रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक इस तरीके का शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया है जो कि कम करती है, रिड्यूसेस द टीचिंग सिचुएशन, जो कि शिक्षण की परिस्थिति को रिड्यूस कर देती है एक सिंपल और एक मोर कंट्रोल्ड एनकाउंटर. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक बार में एक स्किल ही पढ़ाएंगे. अचीव बाई लिमिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यहाँ पे हम टीचिंग की प्रैक्टिस को भी लिमिट कर देते हैं. एक कौशल की, विशेष कौशल की बात होती है और हम टीचिंग का टाइम और क्लास का साइज भी छोटा कर दे रहे हैं. L.C. Singh 1977 में कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन विच अ टीचर टीचेस अ स्मॉल यूनिट टू अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 टू 20 मिनट्स. सच अ सिचुएशन ऑफर्स अ हेल्पफुल सेटिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड टीचर टू एक्वायर न्यू टीचिंग स्किल्स एंड रिफाइन ओल्ड वंस. है ना, स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर है, ये तय हो गया. टीचर एक छोटे ग्रुप को पढ़ाएगा, ये तय हो गया. 5 से 6 स्टूडेंट होंगे, 5 से 20 मिनट मैक्सिमम, और इस तरीके की सिचुएशन उनके लिए हेल्पफुल सेटिंग क्रिएट कर सकती है जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी और जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं और नया कुछ सीखना चाहते हैं. N.K. जंगीरा और अजीत सिंह 1982 में कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग सेटिंग फॉर द लर्निंग टीचर where complexities of the normal classroom teaching are reduced by practicing one component skill at a time, limiting the content to a single concept, reducing the size to 5 to 10 students and reducing the duration of lesson to 5 to 10 minutes. I think कि ये जो है वो सबसे elaborative और सब सारी चीजें इसमें समाहित है कि training setting है, हम normal classroom की complexity को घटा रहे हैं. कैसे घटा रहे हैं? कि एक बार में सिर्फ एक कौशल पढ़ाएंगे, केवल एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, साइज हमारा 5 से 10 होगा और टाइमिंग हमारी 5 से 10 होगी, मतलब 5 से 10 स्टूडेंट्स को 5 से 10 मिनट में सिर्फ एक कंसेप्ट को, एक स्किल को एट अ टाइम हम पढ़ाएंगे, वो माइक्रो टीचिंग है.
तो अब इन डेफिनेशन के हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आई कि ये टीचर एजुकेशन की फील्ड में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रैक्टिस टीचिंग के शेड्यूल में हमने डाल रखा है और हम अपने भावी शिक्षकों को ऐसा सिखाते हैं। हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस है क्योंकि एक एक स्टूडेंट एक एक बार में आता है और अपने स्किल सीख के जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसा एनवायरमेंट प्रैक्टिस बेस्ड टीचिंग का एनवायरमेंट दे पाएं और वो अपने आप को खुद अपनी इवेल्युएटिव स्किल्स मतलब जांच करवाएं कि हमने कैसा पढ़ाया। अभी आप आगे देखेंगे कि कौन कौन सी जो स्किल्स हैं इसकी और क्या क्या सिखाया जाता है। माइक्रो टीचिंग तो इस तरह से स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर ये वही वाली डेफिनेशन है। लिमिटिंग द कंटेंट टू ए सिंगल कंसेप्ट एंड स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद इमीडिएट फीडबैक। ये भी बड़ी खास बात है, जैसे ही हम पढ़ा के निकले हमारा ही पीयर ग्रुप हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमारा टीचर हमको ऑब्जर्व कर रहा है और वो तुमको तुरंत हमको फीडबैक देगा कि ये आप में अच्छाई थी, ऐसा ऐसा यहाँ यहाँ आपने अच्छा किया, यहाँ यहाँ कमी है, उसको सुधार लीजिए। तो फिर सुधार के उसको रीप्लान रीचेक रीफीडबैक ऐसे चलता है। तो आप जब इसकी साइकिल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आता है। फिर इसके assumptions इसके यही है कि टीचिंग वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन आप इसको छोटे कौशलों में एनालाइज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। टीचिंग स्किल्स कैन बी प्रैक्टिस वन बाई वन अप टू अ लेवल ऑफ मास्टरी, मतलब आप बहुत सारी स्किल्स होती हैं टीचिंग में उनको आप एक एक करके सीखिए और मास्टरी उनकी कर लीजिए अंडर स्पेसिफिक एंड सिंप्लीफाइड सिचुएशन। Appropriate feedback, if systematically given, proves very significant in mastering each skill. कह रहे हैं कि अगर हमको उचित प्रतिपुष्टि systematically मिलती है तो ये हमको हर skill की mastery में बहुत helpful होता है। When all skills have been mastered, they can be integrated for real classroom teaching. देखिए यहाँ तो हम आपको artificial condition create करके एक एक skill सिखा रहे हैं। अब आपने सारी स्किल्स सीख ली वन बाई वन, तो उन सारी स्किल्स का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए और उसको ट्रांसफर कर लीजिए जब आप एक्चुअल क्लासरूम सेटिंग में जाएं। Skill training can be conveniently transferred from simulated teaching situation to actual classroom teaching situation. यही कार्य, यही assumption है, यही मान के मूलभूत मान्यताओं के साथ सूक्ष्म शिक्षण का concept का evolution हुआ है। अब इसके phases, कभी कभी यही पूछ लेते हैं phases of micro teaching। और देखिए micro teaching से बहुत सवाल पूछे जाते हैं even competitive examinations में भी, कुछ नहीं तो किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, कितने phases हैं, है ना। स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर में क्या 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 काम करना है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो काम नहीं की गई है, इस तरह से। तो इसके तीन चरण हैं, आपका पहले ज्ञान अधिग्रहण फेज है, फिर कौशल अधिग्रहण फेज है और आपके बाद स्थानांतरण फेज है। तो नॉलेज एक्विजिशन फेज में कि हम यहाँ पे जानेंगे, नॉलेज हमको थ्योरी हासिल करेंगे कि कौन सी स्किल है जिसमें हमको एक्सपर्टीज करनी है, फिर हम उसको एक्चुअली पढ़ाएंगे और उसका कौशल अपने अंदर लाएंगे कि अच्छा इसको ऐसे पढ़ाना है, हमारा शिक्षक हमको इम्प्रूवमेंट करेगा, हमको फीडबैक देगा। और ट्रांसफर फेज में क्या होगा, जब हम सारी स्किल सीख लेंगे तो उनको इंटीग्रेट कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे, उनका एकीकरण कर लेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे जब हम सिमुलेटेड कंडीशन से रियल क्लासरूम टीचिंग में जाएंगे तो। ठीक है, ये है फिर माइक्रो टीचिंग साइकिल। देखिए बहुत सारी साइकिल आपको इसका इमेज मिल जाती है जिसमें सिंपल लिखा हुआ है प्लान टीच फीडबैक रीप्लान रीटीच रीफीडबैक, लेकिन जान मुझे मैंने ये लिया, थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है लेकिन इसमें थोड़ा कुछ लिखा है वो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए आपने पहले क्या किया, माइक्रो लेसन बनाया, माइक्रो लेसन प्लानिंग की, फिर आपने उसका प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन भाई बीइंग वीडियो टेप्ड, यानी कि प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं और आपका प्रेजेंटेशन वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। फिर व्यूइंग बाय प्रेजेंटर अलोंग विद पार्टिसिपेंट्स, फिर आप अपने प्रेजेंटेशन को खुद अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा अच्छा आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप रुक रुक के बोल रहे हैं, आपने कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने सवाल सही नहीं पूछे, आपने ब्लैकबोर्ड वर्क ठीक नहीं किया, जो भी। फिर उसके बाद डिस्कशन होगा, पहले प्रेजेंटर का अदर से होगा, फिर प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट उसको बताए जाएंगे, फिर फिल्ट्रेशन यानी समिंग अप सजेस्टेड इंप्रूवमेंट्स, फिर आपको जितने भी इंप्रूवमेंट आपको बताए गए उन सबको आप इंटीग्रेट करेंगे और रीप्लान करेंगे, रीटीच रीफीडबैक प्लानिंग, इस तरह से चलता रहेगा और ये माइक्रो टीचिंग की साइकिल कंप्लीट होती है। वैसे आप जनरली उसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा प्लान टीच फीडबैक रीप्लान रीटीच रीफीडबैक, यही मिलता है। अब कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि माइक्रो टीचिंग की साइकिल कितने मिनट की होती है, तो जनरली 30 से 36 मिनट की होती है और ये इसका टाइम इन्होंने बांट दिया है लमसम कि वैसे तो आपको एक माइक्रो लेसन प्लान बनाने में 2 घंटे तक लग सकते हैं लेकिन जब आप टीच करेंगे तो 6 मिनट में करेंगे, फीडबैक सेशन आपका 6 मिनट का चलेगा और फिर आपको कह दिया जाएगा कि भाई ये गड़बड़ी है आप इसको सही करके लाइए, तो आप रीप्लान 12 मिनट लग जाएंगे लगभग आपको बनाने में, फिर आप रीटीच करेंगे 6 मिनट में और फिर रीफीडबैक आपको 6 मिनट का मिलेगा, यानी कि कुल मिला के ये 36 मिनट का प्रोग्राम होता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि रीप्लान कितने मिनट का होता है, फीडबैक सेशन कितने का है, तो बस रीप्लान 12 मिनट का है, बाकी सब 6 मिनट के। आसान है बट पता होगा तब ना।
फिर माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस क्या है? भाई बड़ी इसकी खासियतें हैं कि माइक्रो टीचिंग इनेबल्स टीचर्स टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज ऑफ टीचिंग एंड टू व्यू देम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये आपकी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। सिमुलेशन एनवायरनमेंट में हमने नॉर्मल क्लासरूम कंडीशन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया है तो प्रोस्पेक्टिव टीचर को थोड़ा एट ईज लगता है। इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। आप एक प्रैक्टिस बेस्ड टीचिंग में हमको सेल्फ इवैल्यूएटिव स्किल्स हम सीख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये केटर करता है कि हर व्यक्ति को हो सकता है किसी स्टूडेंट को जल्दी सीख जाए, किसी को ज्यादा टाइम लगे, तो आप उसको टाइम दीजिए, है ना, अपने पेस से सीखने दीजिए। और आपको इसमें कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एनवायरमेंट और रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों मिलते हैं, यानी कि नियंत्रित आपके लैब की दशा में मिलती है और आपको रियल एक्सपीरियंस, रियल कि हमने रियल सेटिंग में पढ़ा रहे हैं, और नियंत्रण इस विषय में कि हमने नियंत्रित कर दिया कि एक ही स्किल, एक ही कंटेंट, एक ही कंपोनेंट इस तरह से। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इट इज स्किल ओरिएंटेड रादर देन कंटेंट ओरिएंटेड, मतलब कि स्किल हमको कंटेंट भी तो आना चाहिए, इन दोनों आना चाहिए, तो इसमें कंटेंट को ज्यादा ध्यान नहीं, सिर्फ स्किल को ध्यान है। आर्टिफिशियली कंट्रोल कंडीशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन देखिए एक्चुअली जो कॉलेजेस हैं वहाँ माइक्रो टीचिंग बहुत ही बेकार तरीके से होती है, नाम मात्र को होती है, मतलब फीडबैक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बस आपने गए, मतलब फीडबैक और रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक का तो कंसेप्ट ही नहीं, किसी तरह प्लान टीच फीडबैक हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो क्यों फिर भाई आप कहेंगे कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, टीचर के पास इतना वर्कलोड है, वो कैसे देखें, कैसे करें? तो सिर्फ नाम मात्र का कागज पर माइक्रो टीचिंग चलती है, क्योंकि अगर एक्चुअली माइक्रो टीचिंग सही तरीके से हो तो शायद अच्छे टीचर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर इसके पीछे बेसिक अजम्पशंस ही है कि टीचर्स कैन बी मेड। अगर ये होता कि टीचर्स आर बॉर्न ओनली तो माइक्रो टीचिंग के कंसेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये फिर यहाँ से बात निकल के आएगी कि टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस, एज वेल एज साइंस। आर्ट है मतलब वो जिसके पास आर्ट है, जो इनबिल्ड है, जो पैदा ही हुआ है उस आर्ट के साथ, उसको फिर आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ाना है। लेकिन आप चूंकि इतने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो इसी फिलोसफी पे बेस्ड है कि टीचर्स कैन बी मेड, तो माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट ही इसलिए आया है। फिर मेन इम्फेसिस ऑफ माइक्रो टीचिंग इज अ मास्टरी ऑफ वन टीचिंग स्किल एट अ टाइम, वेयर इज एक्चुअल टीचिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्किल्स दैट ऑपरेट साइमल्टेनियसली। इसका सबसे बड़ा हानि है, बहुत बड़ा इसका यू कैन से कि कमी है, क्या कि हम एक बार में एक स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल क्लासरूम कंडीशन में चलते हैं तो कई स्किल्स हमको साइमल्टेनियसली यूज करनी पड़ती है। तो अक्सर स्टूडेंट्स वहाँ पे एक एक स्किल तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब सब साथ में पढ़ाना होता है तो वो नहीं कर पाते। फिर टाइम कंज्यूमिंग भी है, कैसे इतना टाइम दिया जाए। है तो इफेक्टिव माइक्रो टीचिंग टेक्निक अब इजी हो गई है आपके एप्पल और आईफोन के ज़माने में, लेकिन जब पहले तो नहीं, आपका वीडियो टेप रिकॉर्डर नहीं होता था तो हमको पता नहीं चलता था कि हमने कैसा पढ़ाया जाए, तो सामने वाले ने जैसा कह दिया वही मान लिया। और इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे खास है कि हमको कॉम्पिटेंट और ट्रेंड टीचर एजुकेटर भी चाहिए। मान लीजिए टीचर एजुकेटर ने ही कभी माइक्रो टीचिंग नहीं की है तो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाएगा, है ना। तो ये सारी इसकी यथार्थ में कमियां हैं, अदरवाइज ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और ये मान के चलता है कि हम एक अच्छा शिक्षक बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो जो इसका मैं कवर करूंगी उसमें टीचिंग स्किल्स और माइक्रो टीचिंग स्किल्स की बात करूंगी कि कौन कौन से स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, कौन कौन से स्किल्स डेजिग्नेट की गई है, आइडेंटिफाई की गई है। इसी में जोड़ती तो बहुत लंबा होता था। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।